सत श्री अकाल जी। अज आप बनावांगे जी फ्रूट कस्टर्ड। फ्रूट कस्टर्ड जी मैं तुहानूं जी फ्रूट कस्टर्ड दे रेसिपी दसां जी। आ देखो जी आप दो केले ले आ, बरीक बरीक कट लिया इन्हां नूं चंगी तरह जी वधिया तरीके नाल। आ जी आप एक गुच्छा अंगूरां दा लिया, वह भी मैं वधिया तरीके नाल धो धा के ते कट लिया जी। इन्हां दे भी दो दो पीस बना ले एक अंगूर दे जी। ठीक है जी, सारे कट के मैं बोल च पा लिया जी। आ देखो जी आप एक कौली चीनी दी लई है जी, ये आप पावांगे जी। ये आप जी दुध लिया, ये अद्धा किलो दुध है जी। ठीक है जी, ये हैगा जी पिस्ता कस्टर्ड। ठीक है जी, ये आप पिस्ते वाला कस्टर्ड लिया जी। ये आप फ्लेवर देवांगे दुध में। ये जी आप एक मैंगो लिया, अंब यानी कि अंब नूं चंगी तरह छिल के बरीक बरीक कट लिया जी। ये आप जी इलाची पाउडर लिया, 5-7 इलाचियां लईयां हरियां, तो आप इलाची पाउडर का फ्लेवर देवांगे जी फ्रूट कस्टर्ड पाउडर नूं। ठीक है जी, मिल्क नूं आप लिया जी एक पैकेट लिया चिया सीड का। ठीक है जी, ये आप एक चमच में पावांगे जी। ठीक है जी, हुण आप जी शुरू करिए गैस लाइए। गैस ला लिया जी आप, हुण आप पावांगे जी फ्राई पैन च दुध पावांगे जी। दुध नूं आप चंगी तरह गर्म करांगे जी। ठीक है जी, दुध नूं गर्म करके फिर आप विच लावांगे जी कस्टर्ड पाउडर पिस्ते वाला। देखो जी अपना दुध बहुत वधिया तरीके नाल गर्म हो गया जी। आपां जी दो कड़छियां दुध दीआं बाउल विच कढांगे जी। आ देखो जी आपां चार कड़छियां दुध दीआं कढ लईआं जी, ते दुध साडा गर्म हो गया जी। आपां हुण जी विच पिस्ता कस्टर्ड रलावांगे जी। क्योंकि जी ये गर्म दुध विच छेती घुल जांदा, इहदा विच ना बन जांदे विच आवे कट्टियां जिहियां बन जांदियां जी, तां आपां इस करके इहनूं हौली हौली विच गर्म दुध विच लावांगे जी चंगी तरह। आपां जी पावांगे दो चमच, जे लोड पई ते एक चमच होर पा लांगे। हुण आपां चंगी तरह इहनूं जी गर्म दुध विच घोलांगे। घोल के फिर आपां इहदा घोल तैयार करके फिर आपां विच पावांगे, क्योंकि जिहड़े दुध दीआं गट्टियां ना विच बनन फिर गंढां जिहियां बन जांदियां, ते फिर उह विच तरदियां रहिंदियां। ठीक है जी, आपां हुण इहनूं चंगी तरह लावांगे जी दुध विच। आ देखो जी अपने पिस्ते वाला कस्टर्ड बिल्कुल मैं वधिया तरीके नाल घोल लिया जी। ये जी इदा ही दुध गर्म करके थोड़ा जिहा दुध कढ लैणा, 5-4 कड़छियां, ते आ जी मैं 3 चम्मच पाए विच पिस्ता कस्टर्ड पाउडर दा। ठीक है जी, ते इदा तुसीं पा के इदा पहला रला लैणी है चंगी तरह, क्योंकि जे आपां सीधा पावांगे ते विच जी उह गंढां जिहियां बन जाणगियां पाउडर दीआं, ते चंगी तरह रलेगा नहीं दुध विच। ठीक है जी, आपां हुण जी पाईए विच दुध। आ देखो आपां जी हुण नाल ही रला देना विच चंगी तरह दुध दे विच। हुण आपां आस्ते आस्ते कड़छी फेरांगे जी, वधिया तरीके नाल विच घोलांगे। आ देखो जी अपना कस्टर्ड पाउडर पा लिया विच जी, हो गया चंगी तरह बिल्कुल मिक्स। आपां जी हुण पावांगे विच इलाची पाउडर, क्योंकि इलाची पाउडर जिहड़ा पाना जी ये ठीक तरह सानूं दुध जिहड़ा सानूं पच जांदा जी, नाले इहदा फ्लेवर बहुत वधिया हुंदा जी इलाची पाउडर दा। ये जी हरी इलाची 5-7 मैं लईआं कुट के ते विच पाईआं जी। ठीक है जी, इहनां दा ही बहुत वधिया विच टेस्ट आउंदा जी फ्रूट कस्टर्ड विच जी।
ठीक है जी। हूँ अपना जी चीनी का करिए। आ देखो जी अपा आ चीनी है जी एक कौली। आपा चीनी जी डायरेक्ट नहीं पानी, आपा चीनी नू चीनी का थोड़ा जहा मावा बनावांगे। ठीक है जी। आपा पहले नंबर ते लावांगे गैस। आ देखो जी अपा फ्राई पैन लिया। ठीक है जी। फ्राई पैन नू आपा थोड़ा जहा गर्म करांगे जी। गर्म करके हूँ आपा इदा चीनी लैनी है जी। चीनी नू जी सीधा नहीं पाना, बस इन इदा चीनी लैनी है। चीनी दे विच विछा देना चंगी तरह। ठीक है जी। विछा के इहदे विच कोई पानी नहीं पाना जी, कोई कुछ नहीं, इहनू इदा ही आपां घोलांगे। ठीक है जी। आ देखो जी आपां इहनू बिल्कुल नहीं छेड़ना, बस इदा रहन देनी है। अपनी चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई है। ठीक है जी। इदा इन मेल्ट कर लेना चीनी नू, ते बस यदा हुण घुलण तक इंतजार करना वा कि चंगी तरह घोल जाए। तो आ घोल जानी है हुण इनू। आ देखो आ देखो जी आ देखो इदा इनू घोल लेना जी चीनी नू। आ देखो जी अपना दुध भी हो गया गर्म। आप फ्राई पैन थले उतार के रख लिया जी। आप हूँ पावे जी बिच चीनी। आ देखो इदा चीनी अपने आप ही मिल्ट हो गई है जी। चीनी सीधी नहीं डायरैक्ट नहीं पाना जी, इन थोड़ा जहा इस तरह घाल लेना बिच, कोई पानी नहीं पाना, कोई कुछ नहीं, बस इदा विछा देनी है चीनी। तो लो फ्लेम पर रख देना फ्राई पैन, चीनी अपने आप ही घल जानी है जी। आप हूँ जी चीनी पावे दुध में। आ देखो जी इदा चीनी पालना, कस्टर्ड का कलर भी चेंज हो गया, इहदा फ्लेवर भी बहुत वधिया आना। तो मैं इहनू हुण थोड़ी जी लो फ्लेम ते गैस ते चंगी तरह नूं मैं घोल लांगी जी। जी हौली हौली आपे घोल लेना बिच चीनी ने। ठीक है जी। देखो कलर किड्डा वधिया आ रहा, तो स्मैल खुशबू भी किड्डी वधिया आ रही है जी। इन्हें इदा ही घोल लेना बिच चीनी। देखो जी अपना कस्टर्ड बन के बिल्कुल तैयार हो गया जी। तो आप हूँ जी ए चिया सीड्स ये जी कटांगे इहदा पैकेट। ये आप जी जिनी देर है जी कस्टर्ड ठंडा होंदा आ उन्नी देर आप चिया सीड्स का एक पैकेट एक चमच पावे जी। ए देखो जी आप चिया सीड्स का एक चमच पा लिया जी। इनू आप दो मिनट भिओ के रखा जी। ठीक है जी। ए देखो जी आप भिजने पाता है। ठीक है जी। आप जड़ा अपना कस्टर्ड है जी बन गया वा, तैयार हो गया। तो इन हूँ मैं ठंडा करा, ठंडा करके 15-20 मिनट फिर मैं तुहानू विच फ्रूट पा के दसती हाँ जी। ठीक है जी। आ देखो जी अपना कस्टर्ड बिल्कुल बहुत वधिया तरीके ने ठंडा हो गया जी। इनू जी मैं 10 तो 20 मिनट मैं फ्रिज में रखिया। आ देखो जी अपने चंगी तरह बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो हूँ आप इनू पावे जी बाउल में। ठीक है जी। सारा पा लिया बिच जी। ठीक है जी। आप हूँ पावे जी
फ्रूट। ठीक है जी, पहले नंबर पर पावांगे जी आपां केला। आ देखो जी आपां बरीक बरीक कटिया होया, केला पा लिया जी। आपां नाल ही हुण पावांगे जी मैंगो। ये जी मैं एक मैंगो कटिया बरीक बरीक। ठीक है जी, आ देखो जी आपां अंगूर, अंगूर भी आपां छोटे छोटे बरीक बरीक टुकड़िया विच कट लिया जी। हुण पावांगे जी आपां विच चिया सीड्स। आ देखो जी आपां एक चमच पिया है विच, ये आपां हुण सारा पा देंगे विच। ठीक है जी, आ देखो जी अपना फ्रूट कस्टर्ड बन के बिल्कुल परफेक्ट तरीके ना जी तैयार हो गया जी। तो बहुत ही वधिया बनया, तो फ्लेवर भी बहुत वधिया आ रहा, खुशबू भी बड़ी सोहनी आ रही है जी इलायची पाउडर दी विच। आ देखो जी अपने बहुत वधिया तरीके ना बन के बिल्कुल परफेक्ट तरीके ना तैयार हो गया जी। तो तुसी भी इसे तरह ही बनानी बनाना, बड़ा वधिया रैसपी है जी, बना के तुसी भी इदा ही बच्चों दो साफ सुथरा सफाई का घर में ही बनाओ, तो बना के अपने बच्चों सारे परिवार को खवाओ जी। ठीक है जी, यह बहुत वधिया चीज़ है जी बनी है, मिल्क फ्रूट मिल्क कस्टर्ड पाउडर है जी, बहुत वधिया बनया, बना के खाओ इंजॉय करो। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है जी, तो बाहर ना निकलो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। तो मेरी वीडियो नाल ही जी लाइक करो, शेयर करो, नाल ही मेरे चैनल सबसक्राइब करो जी। ठीक है जी, धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे नवी वीडियो नाल नवी रेसिपी नाल। सत श्री अकाल जी।